प्रणाम निकलो से याद आए वफा का नाम निकलो हजरत अब्बास याद आए वफा इन्हीं के दम से तो जमाने में भी कायम है वफा का नाम लिख जाता वफा का नाम मिट जाता न होते गलिए दुनिया में वफा का नाम मिट जाता न होते गलिए दुनिया में वफा इन्हीं के दम हम थे जमाने में भी दायम है أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعمه اللادون ولا يودي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نقد موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه جلت عظمته والصلاة والسلام والتحية والإكرام على من اختاره من شجرة الأنبياء ومشكاة الضياء والمنهاج البادي والكتاب الحادي مولده بمكة وهجرته بطيبة على بها ذكره بحجة كافية وموعظة شافية أرسله بالدين المشهور والعلم الماسور والكتاب المستور والنور الساطع والضياء اللامع سيدنا الممجد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم المحمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا وآله الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد فقد قال حق سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا
हजरत ग्रामी कदर अजीजान मोहतरम बूतराब इमाम बारगाह अजीजाबाद में आपके बेहतरीन जज्बे ईमानी की नज़र, यह हमारी सातवीं गुफ्तगू है। मासूम और मौजज़ा सरनामा एक कलाम है और ये इस मासूम का मौजज़ा है कि हम जैसे बेबिज़ात और कम इल्म इस अहम तरीन मौजू पर इजहार ख्याल की जसारत कर रहे हैं। अजीजान मोहतरम, मसला ये है कि मिल्लत इस्लामिया में जिस कदर भी इख्तलाफात की खलीज वाक़ हुई, उस इख्तलाफ के पस मंज़र में सिर्फ एक शय कार फरमा थी और वो ये कि मिल्लत ने अल्लाह को तो तस्लीम कर लिया, लेकिन जिसने अल्लाह को तस्लीम कराया उसे मासूम तस्लीम नहीं किया। ये है खुलासा और जाहिर है ये मजमून अब अपने इख्तितामी मरहलों में दाखिल हो रहा है, इसलिए हम इसके खुलासे की तरफ बढ़ते चले जाएंगे। मिल्लत मुस्लिमा ने मासूम के कहने पर अल्लाह की वहदानियत का इकरार तो कर लिया, उसकी तौहीद का कलमा तो पढ़ लिया, लेकिन जिसने उसका पैगाम तौहीद दिया था उसके मासूम होने पर उम्मत ने ज्यादा वसत कल्बी का मुजाहरा नहीं किया। बड़ी एहतियात से लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूँ, ज्यादा बसीरत से मुतवज्जे नहीं हुए अजहान अकाबरीन इस्लाम कि अगर इस मासूम अव्वल को हमने मासूम तस्लीम न किया तो फिर कहीं भी गलती का इम्कान हो जाएगा, और गलती का इम्कान माज़अल्लाह अगर मासूम अव्वल में आ जाए तो बात मोहम्मद रसूलल्लाह तक नहीं रुकेगी, बात ला इलाहा इल्लल्लाह तक चली जाएगी। और ला इलाहा इल्लल्लाह का फलसफा ही अगर मशकूक होकर रह गया तो न कोई दीन की असास बाकी रहेगी, न शरीयत का तसव्वुर बाकी रहेगा, न इबादात का कोई मफहूम बाकी रहेगा, और ना ही इज्तिमाई इत्तेहाद इस्लामी का कोई मुजाहिरा हो सकेगा। इस अहम तरीन मजमून पर हमने इजहार ख्याल इसलिए ख्याल किया कि हम इन अजीम शान इज्तिमाआत के हवाले से मिल्लत मुस्लिमा को एक पैगाम दें, और वो ये कि खुदा के लिए जिससे दीन लो उसे मासूम मानो। बहुत तवज्जो, जिससे शरीयत लो उसे महफूज अनिल खता समझो, जिससे अरकान दीन लो अकायद व आमाल लो उसे अल्लाह के बाद कायनात में सबसे अफजल समझो। और सिर्फ हम ये नहीं कह रहे कि समझो, उसके लिए हम दलायल भी दे रहे हैं, आयतें भी पेश कर रहे हैं कि कुरान की आयतें मुसलसल गवाह हैं जो इस्मत मासूम पर गवाह है। खुदा वंद आलम की सुन्नत भी यही है कि उसने किसी भी गैर मासूम को मनसब हिदायत अता ही नहीं किया, इसलिए कि अगर गुनाहगार को मनसब हिदायत अदा कर दिया जाता तो फिर उसकी तरफ की हर गलती अल्लाह के खाने में चली जाती, बात उसकी तरफ मंसूब कर दी जाती जो उसके दामने सुभानियत के साया निशान नहीं थी। वो सुभान था, सुभान है, सुभान रहेगा, उसका दामन हर किस्म के ऐबो रैबो नक्स से मावरा है, जो उसकी तौहीद है। इसलिए उसने तमाम अंबियाए मा सबक को
इस मंजिल से मुस्तफा किया कि सूरह मुबारक आले इमरान में इरशाद हुआ कि हमने इस्मत शुरू कहां से की, इस्मत आई कहां से। इन्नल्लाह अस्तफा आदमा व नूहम व आला इब्राहीमा व आला इमरान अलल आलमीन। ये है इस्मत पर मुकम्मल आयत कुरान में। बड़ी तवज्जो, जिस कदर भी मासूमीन भेजे गए हैं वो इस आयत में हैं, इससे बाहर नहीं है। जो इससे बाहर हैं वो मासूम नहीं है। तवज्जो है ना अल्लाह मुहतरम, बस ये है फलसफा। इस आयत मुबारक को समझे। शाबाश मेरे थके थके दोस्तों, जिनका पहला नारा ऐसा है उनके उनके आखिरी नारे का खुदा हाफिज। कोई बात नहीं, इन्नल्लाह अस्तफा आदमा व नूहं व आला इब्राहीम। जियो जियो जियो, मासूम मौजजा और वली या मोहम्मद या अली। सुभान अल्लाह सुभान। जियो जवाब, मिलकर जवाब दो ना। क्या पजीरा तुम्हें सलामत रखे, आबाद रखे। अजीदाने मोहतरम, आपने देखा हमारी मजलिसों में रिज़्क़े इल्म बढ़ता है, रिज़्क़े इल्म तकसीम होता है। हम 7 दिन से जो मेहनत कर रहे थे, मेरा कलेजा शेर हो गया कि हमारे नौजवानों ने हमारी 7 घंटे की मेहनतों का जो खुलासा दिया है वो ये है कि मासूम मौजदा और वली अगर मुजस्सम हो जाए तो या मोहम्मद या अली। यह है पैमाना। जियो नहीं अभिनंदन। जियो। अच्छा बुलंद तरीन सलावत भेजे बाब मोहम्मद वाले। सुभान अल्लाह सुभान। अभी देखे लुत्फ आ गया। अल्लाह की कसम मौला आपको सलामत रखे। इन्नल्लाह अस्तफा आदमा व नूहम व आला इब्राहीमा व आला इमरान अलल आलमीन। ये है मासूम के लिए आयत, और इसकी दलील ये है कि कुरान मजीद में लफ्ज अस्तफा अलिफ स्वाद तो फे अलिफ अस्तफा, लफ्ज अस्तफा कुरान मजीद में 50 मकामात पर आया, और जहां जहां भी आया, जिस जगह भी आया, जिसके लिए भी आया, वो सब के सब मासूम थे। ये है कुल्लिया। इसलिए इस्मत पर मासूमियत पर यही एक आयत है कि जिसे अगर मिल्लत मुस्लिमा इस पर गौर कर ले। अब ये अल्लाह की शान है, ये उसकी मशीयत है। ये वो जाने कि जब सारे मासूमीन को समेट कर वो तारुफ करा रहा है तो सिर्फ सूरह आले इमरान ही में करा रहा है, इसलिए कि आले इमरान ही का नाम तो मासूम है, आले अबू तालिब का नाम ही तो मासूम है। अल्लाह ने आदम को मुस्तफा किया, नूह को मुस्तफा किया, आले इब्राहिम को मुस्तफा किया, और आले इब्राहिम में फिर आले अबू तालिब को मुस्तफा किया। तो आदम से लेकर नूह तक मासूम। देखिए सिलसिला, देखें आप पूरे सिलसिलों का कंक्लूजन 4-5 मिनट में करके हम अपने मौजू की तरफ आ रहे हैं। अल्लाह ने आदम को मुस्तफा किया, नूह को मुस्तफा किया, और उसके बाद अभी आदम को मुस्तफा किया, आदम के बेटों को नहीं, वरना सारे आदम की औलाद कहते हम भी मुस्तफा।
तवज्जो, अभी तो इन बदबख्तों को किसी ने मुस्तफा नहीं कहा, उस पर कहते हैं कि मुस्तफा हम जैसा, तवज्जो है ना इजारे मोहतरम, उस पर ये दावे करते हैं। आदम को मुस्तफा किया है सिर्फ, आदम की औलाद को नहीं। इन्नल्लाह हस्तफा आदम, सिंगल इंतखाब हुआ है, हमने मुस्तफा किया, चुन लिया, छांट लिया, मुंतखब कर लिया, बरगुजीदा कर लिया आदम को, बस इंडिविजुअल सिलेक्शन, इनफरादी चुनाव। हमने मासूम बनाया आदम को, हमने उसके बाद मासूम बनाया नूह को, उसके बाद नूह को बनाया, नूह के बेटे को नहीं बनाया। देखे तवज्जो फरमाए जाने मोहतरम, हमने नूह को बनाया, नूह के बेटे को मुस्तफा नहीं किया, नूह के बेटे को मुस्तफा नहीं किया, उसे मुंतखब नहीं किया, हालांकि बेटा नूह का था, बेटा नूह का था, बेटा नूह का था, बेटा नूह का था, सुल्ब नूह का था, पैदा ही हुआ था, आगोश तरबियत ने खराब कर दिया। याली 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 याली, खुदा के लिए तवज्जो फरमाए। बहुत बड़े एतराज का जवाब दे रहा हूँ, मुझसे कल पूछा गया था साहब फिर ये क्या है, अरे ये हुर का इरशाद है कि कुल्लु मौलूदिन यूलिदु अला फितरतिल इस्लाम, हर बच्चा फितरत इस्लाम पर पैदा होता है, उसके बाद उसके पालने वाले उसे अपने जैसा बना देते हैं, उसके तरबियत करने वाले उसे अपने जैसा बना देते हैं। बेटा नूह का था मगर तरबियत नूह की बीवी की थी, तरबियत नूह की बीवी की थी, जिसको खुदा ने जहन्नमी करार दिया है उस बीवी की तरबियत थी, जिसको खुदा ने कुरान में जहन्नमी करार दिया है। ज़रबल्लाहु मसलन लिल्लज़ीना कफरू इमरातन नूहिन वमरातन लूत कानत तहता अब्दैना मिन इबादिना सालिहैन फकानतहुमा फलम युग़निया अन्हुमा मिनल्लाहि शय्या वइज़ क़ीला उद्ख़ुला फिन्नारि मा दाख़िलीन। सूरह तहरीम, अल्लाह मिसाल पेश करता है नूह की बीवी की, लूत की बीवी की, कि ये दोनों बीवियां हमारे साले बंदों की बीवियां थी, इन्होंने खयानत की और फिर हमारे नबियों की सिफारिश भी इन्हें इस खयानत के जुर्म से आजाद न कर सकी, हमारे अजाब से न बचा सकी, और हमने नूह की बीवी को कहा, लूत की बीवी को कहा, तुम दोनों जहन्नम में दाखिल हो जाओ। तो अजीजान मोहतरम, अगर नूह का बेटा बिगड़ गया तो शर्मिंदा नूह को होने की जरूरत नहीं है, इसलिए कि तरबियत गलत थी, आगोश तरबियत में चला गया था। तो जिन बेटों की माओ की तरबियतें गलत हो वो मासूम का इनकार कर देते हैं माओ की, यानी अरे तवज्जो फरमाए जाने मोहतरम, देखे ना आइए मंजिल से भी। तवज्जो है नाज़िदान मोहतरम, नूह को मुंतखब किया, नूह के बेटे को मुंतखब नहीं किया, मगर जब ये आले इमरान की सूरत आगे बढ़ी तो अब कहा कि हमने इब्राहिम को मुंतखब नहीं किया। बस ये है आज की गुफ्तगू, ताकि मासूमीन की ज़ियारत हो जाए चश्मे अकीदत से, इस इमाम बारगाह में चश्मे अकीदत से अगर देखें तो ज़ियारत हो जाएगी, आमादा ज़हन रहें, बेदार रहें, निगाहों को पाकीज़ा रखें, अल्लाह अल्लाह, निगाहों को पाकीज़ा रखें, दिलों को साफ रखें, तो फिर एजाज देखिए कि मासूमीन की ज़ियारत कैसे होती है। इन्नल्लाह अस्तफा आदमा वनूहम व आला इब्राहिम, अल्लाह ने आदम को मुंतखब किया, नूह को मुंतखब किया, उसके बाद हमने सिर्फ इब्राहिम को नहीं पूरी आले इब्राहिम को मुंतखब किया। अब कोई है मुफस्सिर कुरान जो ये कहे साहब इसमें इब्राहिम मुस्तफ़ा नहीं है, उनकी औलाद को मुस्तफ़ा किया है? क्योंकि इब्राहिम की इस्तफाइयत का ऐलान तो नहीं है, आले इब्राहिम की इस्तफाइयत का ऐलान है। तो कोई है मुफस्सिर कुरान, कोई कारी कुरान जो ये कहे कि साहब आल का जिक्र है, इब्राहिम का तो जिक्र ही नहीं है, इब्राहिम का तस्करा नहीं है? अरे जिसकी औलाद मुंतखब हो उसका सुल्ब पहले मुंतखब हुआ करता है, उसका सुल्ब, ये आगे के लिए गुफ्तगू कर रहा हूँ बहुत बड़े एतराज का जवाब देने के लिए। जब कहा आले इब्राहिम को मुंतखब किया, यहाँ आकर आयत रुक जाना चाहिए थी, इसलिए कि आले इब्राहिम में आले इसहाक भी है, आले इस्माइल भी है, इसहाक के सिलसिले
सिलसिले के आखिरी ईसा हैं, इस्माईल के सिलसिले से पहले मासूम मोहम्मद मुस्तफा अहमद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बहुत समय था है ना अजीदान मोहतरम, ये अजीब मंजिल फिक्र है, इस पर अगर आप तवज्जो फरमाएं, हमने आले इब्राहिम को मुंतखब किया और जाहिर है कि आले इब्राहिम में सरकार खत्मी मर्तबत भी हैं, अली भी हैं, हसन भी हैं, हुसैन भी हैं, फातिमा भी हैं, 12 इमाम भी हैं, 14 मासूमीन भी हैं, ये सबके सब मुस्तफ़ा, ये सबके सब मुस्तफ़ा। जब मुस्तफ़ा हैं तो मासूम हैं, जब मुस्तफ़ा हैं तो मासूम हैं, तो परवरदिगार इसके बाद आले इमरान कहने की क्या जरूरत थी। मालिक आले इब्राहिम पर आयत खत्म कर देता या आले इमरान का इजाफा क्यों किया? जवाब ये आएगा, तुम तदब्बुर मशीयत को क्या समझो, हम अगर आयत को आले इब्राहिम पर रोक देते तो अल्लाह जाने अपने मनाफ की औलाद में से बिगड़ी हुई नस्लें जो आगे चलकर बनी उमैया के नाम से मशहूर हुई वो सब की सब दावा कर देती हम भी आले इब्राहिम हैं, हम भी आले इब्राहिम हैं, हम भी मुस्तफ़ा हैं, हम भी मुस्तफ़ा हैं, हम भी मासूम हैं, हमसे भी गलती नहीं हो सकती। खुदा ने आयत की जंजीर डाल दी बनी उमैया के पैरों में कि आले इब्राहिम में भी सबको मुंतखब नहीं किया, आले इब्राहिम में सिर्फ वो मुंतखब है जो अबू तालिब की औलाद है, अबू तालिब की औलाद। या अली या अली, यह है वो फलसफा। मौला सलामत है, जी जी मौला साहब बुलंद तरीन सलवात भेजें अजमत के जनाबे। और इसकी हमने आले इब्राहिम को मुंतखब किया, आले इब्राहिम में भी सबको नहीं, हम पहले ही इब्राहिम से कह चुके थे कि तुम्हारे यहां सबको मुंतखब नहीं करेंगे। काला वबिन जुर्रियती काला ला यनालो हदे जालिमीन, तुम्हारी जुर्रियत में से जो जालिम होंगे ना वो इमाम नहीं हो सकते, जब इमाम नहीं हो सकते तो मासूम नहीं हो सकते, मासूम नहीं हो सकते तो मुस्तफा नहीं हो। हम पहले कह चुके थे, इसलिए कहा कि आले इब्राहिम में उन्हें मुंतखब किया जो आले इमरान हैं, आले इमरान हैं। खुदा ने सारा सूरा अबू तालिब की शान में नाजिल कर दिया, इमरान जनाब अबू तालिब का इसमें गिरामी है, और यहां कोई और इमरान मुराद है ही नहीं। ये बहसें हो चुकी हैं बहुत ज्यादा, इस पर वक्त इस वक्त जाया नहीं करना है। तीन जुमले में बता दूं, तीन ही इमरान गुजरे हैं तारीख में, एक मूसा के वालिद इमरान, एक मरियम के वालिद इमरान, ईसा के नाना, ईसा के नाना मरियम के वालिद, मरियम के वालिद इमरान, एक जनाब मूसा के वालिद इमरान, एक अली के वालिद इमरान। मूसा के वालिद इसलिए नहीं आते, मूसा के वालिद इसलिए आले इमरान में शामिल नहीं होते कि मूसा के, बहुत तवज्जो बहुत तवज्जो, कि मूसा खुद आले इब्राहिम में शामिल है। याली याली तवज्जो नहीं फरमाई आपने जान मोहतरम। और उसके बाद ईसा के नाना इसलिए शामिल नहीं होते ये जनाब ईसा कि उनकी नबूवत का ऐलान हो चुका है, जनाब ईसा ने शादी नहीं की, उनके औलाद ही नहीं चली, तो मुंतखब क्या करते, मुंतखब क्या करते। सलावत दे देना मोहम्मद वाले, आले इमरान है कहाँ, आले इमरान कहाँ है भाई। गुफ्तगू वाजे है ना, कोई कंफ्यूजन तो नहीं आ रहा, देखें बिल्कुल मजमून और उनवान अपने स्टेटस पर जा रहा है, आपकी समाज की वजह से, आपके जौके समाज की वजह से, ताकि गुफ्तगू चेंड रहे, रिलेट रहे। जहन जो आप यहां लेकर आते हैं, ये सामईन हैं, आप सुनने के लिए आते हैं कि कल क्या कहा था आज क्या होगा, तो हम कोशिश करते हैं मकदूर भर अपनी बेबजाती और अपनी थकन और मुसलसल मजालिस के बावजूद कि आपके साथ कुछ ना कुछ इंसाफ जरूर किया जाए आपकी मोहब्बतों के नतीजे में। तो आदम को मुंतखब किया, नूह को मुस्तफा करार दिया, आले इब्राहिम को मुस्तफा करार दिया, आले इमरान को मुस्तफा करार दिया, यहां आल की आल को चुनाव किया, इसलिए कि इब्राहिम में अकेले इब्राहिम इस काबिल नहीं थे कि उन्हें चुना जाए, इब्राहिम भी इस काबिल कि वो भी मुस्तफा, उनकी औलाद भी मुस्तफा, और सारे मुसलमानों का मुत्तफिका मुत्तफिका तवज्जो, सारी तमहीद इसके लिए थी, सारे मुसलमानों का कतअन मुत्तफिका दुरूद
मौजूद है। इस बात की दलील अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीमा व अला इब्राहीमा इन्नका हमीदुम मजीद। है ना, है ना, है ना। तवज्जो तवज्जो, अब तवज्जो फरमाए। एक अहम तरीन फैसला, एक फैसला मासूमीन के उनवान पर, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीमा व अला इब्राहीमा इन्नका हमीदुम मजीद। ए अल्लाह, दुरूद भेज, रहमतें भेज, सलामती भेज इब्राहीम पर भी, औलाद इब्राहीम पर भी, और ए अल्लाह सलावात भेज, दुरूद भेज मुहम्मद व आले मुहम्मद पर, ऐसा दुरूद कमा सल्लैता जैसा कि तूने भेजा था। खुदा की कसम, हमारे मुसलमान भाई तो आपसे ज्यादा इस मसले में आगे हैं। इतना लंबा दुरूद भी पढ़ लेते हैं जिसमें सांस टूट जाता है, आपसे ये छोटा सा दुरूद नहीं पढ़ा जाता। है ना, इतना सा दुरूद है, इसे बगैर कहे पढ़ लिया कीजिए और बावाज़े बुलंद पढ़ लिया कीजिए। देखिए मिल्लत मुस्लिमा का मुत्तफ़िका दुरूद ये है, अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मदिन। परवरदिगार सलावात भेज, सलामती भेज, रहमतें भेज, बरकतें भेज मुहम्मद पर और आले मुहम्मद पर, कमा सल्लैता अला इब्राहीमा व आला इब्राहीम कमा बारकता कमा तरहमता। जो बरकतें तूने इब्राहिम पर भेजी, औलाद इब्राहिम पर भेजी, ज़ुर्रियत इब्राहिम पर भेजी, बिल्कुल वैसा ही दुरूद मोहम्मद व आले मोहम्मद पर भेज, बिल्कुल वैसा ही दुरूद मोहम्मद व आले मोहम्मद पर भेज। भाई इब्राहिम की नस्ल में, इब्राहिम की नस्ल में मासूमीन थे तो दुरूद है ना, जिसका हवाला दिया जा रहा है, रेफरेंस दिया जा रहा है कि दुरूद रसूल अल्लाह के जमाने से शुरू नहीं हुआ, बल्कि जहां से मासूमीन शुरू हुए वहीं से दुरूद हुआ। जितने भी अंबिया आए, बनी इसराइल आए, सब नस्ले इब्राहिम में आए, इसहाक की नस्ल से आए, उन सब पर दुरूद। सबके सब अंबिया आए, बनी इसराइल बरहक थे, सब पर दुरूद था, इसलिए के मासूम थे, इसलिए के मासूम थे। जितनी भी ज़ुर्रियत इब्राहिम आई, सब की सब मासूम थी, उन पर दुरूद भी था, उन पर सलाम भी था। अब अगर कोई ये कहे कि तौरात में बनी इसराइल के किसी नबी पे दुरूद नहीं है, ज़बूर में किसी नबी पे दुरूद नहीं है, इंजील में किसी नबी पे दुरूद नहीं है, तो ये उन किताब वालों की बदकिस्मती है जिन्होंने अपनी किताबों को इतना मस्क कर दिया कि उन्होंने यही फैसला दे दिया कि तौरात में दुरूद नहीं, ज़बूर में दुरूद नहीं, इंजील में दुरूद नहीं। अरे ये कुरान का मौजदा है जिसने इब्राहिम पर भी दुरूद बाकी रखा, इस्माइल पर भी दुरूद बाकी। या अली या अली ला ला ला, ये आपकी मौला आपको सलामत रखे। ये मुताले की कम इलमी है, न तौरात पढ़ी, न जबूर पढ़ी, न इंजील पढ़ी, कह दिया तौरात में दुरूद नहीं है, जबूर में नहीं है, इंजील में नहीं है। अरे अगर नहीं है तो उस तौरात जबूर इंजील का फायदा क्या है? फिर वो मानी किताब कैसी जो अपने नबी पे सलाम भी ना भेज सके? फिर वो आसमानी किताब कैसी? फिर वो आसमानी किताब कैसी? इसीलिए तो कुरान ने आकर इन किताबों को मनसूख करार दे दिया कि जिस किताब से मासूम की तौहीन हो वो किताब पढ़ने के काबिल नहीं होती। सलावत भेजे मोहम्मद आले मोहम्मद। हो रही है बात वाजे? हो रही है बात वाजे? अज़ीज़ान मोहतरम, जो हम आपकी खिदमत में अर्ज कर रहे हैं इस पर ज़माना देखे, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीमा व आला इब्राहीमा इन्नका हमीदुम मजीद। एक तारीखी फैसला लेना है, मौला सलामत रखे। मैं दिल की गहराइयों से दुआएं देता हूं दीवारों से लगे हुए मोमिनीन, दीवारों के बाहर मोमिनीन, ता हद नजर अली के मानने वालों का मौजे मारता हुआ समंदर, ये
मुतवज्जे रहे इस जुमले पर कि पूरी मिल्लत मुस्लिमा का मुत्तफिका दुरूद है कि परवरदिगार मोहम्मद आले मोहम्मद पर ऐसा दुरूद भेज कमा सल्लैता जैसा कि तूने भेजा था इब्राहिम पर और आले इब्राहिम पर, इब्राहिम पर और ज़ुर्रियत इब्राहिम पर। तो आले इब्राहिम में बनी उमैया नहीं है, आले इब्राहिम में अबू सुफयान नहीं है, आले इब्राहिम में अमीर शाम नहीं है, आले इब्राहिम में अब्दुल उज़्ज़ा नहीं है, आले इब्राहिम में यजीद नहीं है, आले इब्राहिम में मरवान नहीं है, आले इब्राहिम में वलीद नहीं है, आले इब्राहिम में हाशिम नहीं है, आले इब्राहिम में बनी उमैया के आबा व अजदाद नहीं है, आले इब्राहिम में अब्दे मनाफ है, आले इब्राहिम में हाशिम है, आले इब्राहिम में अब्दुल मुत्तलिब है, आले इब्राहिम में अबू तालिब है, आले इब्राहिम में अब्दुल्ला है, आले इब्राहिम में अब्दुल्ला है, आले इब्राहिम में अब्दुल्ला है, आले इब्राहिम में अबू तालिब है। ए मेरे मुसलमान भाइयों, खुदा के लिए हर नमाज में कहते हो परवरदिगार आले मोहम्मद पर भी ऐसा दुरूद भेज जैसा कि तूने आले इब्राहिम पर यानी अब्दे मनाफ पर यानी हाशिम पर यानी अब्दुल मुत्तलिब पर यानी अबू तालिब पर यानी अब्दुल्ला पर दुरूद भेजा। अरे इससे बड़ी और बदनसीबी क्या होगी कि जिन पर नमाज में दुरूद भेजते हो उसी अबू तालिब को काफिर कहते, काफिर कहते। गवाही तो खुद दे रहे, गवाही दे रहे। दोनों हाथ उठाकर हल्फिया नारा, इस साल की हमारी यानी हुसैनी कैसेट सेंटर की पेशकश बेहतरीन नौहाखां हजरात का बेमिसाल मजमुआ जैसे रजी रिजवी, हसन सादिक, नदीम सरवर, नासिर जैदी, हुर्रम इरफान और अंजुमन अलजुल्फकार के नकी जकी और साथी। इनके अलावा हमारे यहाँ दीगर नौहाखां हजरात और जाकिरीन इकराम की ऑडियो और वीडियो नीज कॉम्पैक्ट डिस्क यानी सीडीज भी दस्तियाब हैं। तो हमारा पता आप तमाम हजरात को याद ही होगा, हुसैनी कैसेट सेंटर 6062 हज़रत अब्बास स्ट्रीट नियर खोजा जामे मस्जिद यानी खोजा मस्जिद के बिल्कुल करीब हज़रत इमाम हुसैन चौक मुंबई 400009 और टेलीफोन 3722969। सलावत भेजे बाबाज़े बुलंद मोहम्मद वाले। तवज्जो है ना, मसला हल हुआ ना हमेशा के लिए। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मोहम्मदिन वाला आल मोहम्मदिन कमा सल्लैता जैसा के तूने भेजा था। रेफरेंस दे रही है मिल्लत मुस्लिमा, ऐसा ही दुरूद, बिल्कुल ऐसा ही दुरूद, डिटो कतन डेफिनेट पर्टिकुलर दैट पर्टिकुलर दुरूद, दैट डेफिनेट दुरूद, वही दुरूद, वही दुरूद आले मोहम्मद पे भेज जो तूने आले इब्राहिम पर भेजा था, जो दुरूद तूने अबू तालिब पे भेजा वही आले इब्राहिम, वही आले मोहम्मद पर भेज। अल्लाह अल्लाह, अब
अब मुझे हक है कि मैं ये जसारत करूं जुमला कहने की आज की मजलिस का। फैसला कुन जुमला दीदार मोहतरम, जैसा कि तूने दुरूद भेजा था औलाद इब्राहिम पर, वैसा ही दुरूद भेज आले मोहम्मद पर। जब मुसलमानों का ये मुत्तफिका मसला है कि गुनाहगार पर दुरूद नहीं है, गुनाहगार पे सलाम नहीं है, गुनाहगार की मगफरत है, मगफरत है सलाम नहीं है, मगफरत है सलाम नहीं है, गुनाहगार के लिए कुरान खानी है सलाम नहीं है, सलाम नहीं। अरे जाली जाली कुरान खानी है, चलाओ खून चलाओ। हाँ क्यों क्यों बताओ, छोटे आदमी की मैयत हो या बड़े आदमी की मैयत हो, मैयत पे खड़े होकर कहते हो किसी भी इंसान की, अल्लाहुम्मा सल्ले अला हादल मैयत, सलवात भेज इस मैयत पे, सलामती भेज इस मुर्दे पे। जब मुर्दा ही हो गया सलामती कैसी। अरे मैयत को देखकर, मैयत को देखकर क्या कहते हैं परवरदिगार, मगफरत कर इसकी, मगफरत कर इसकी। मुर्दे की मगफरत होती है, मासूम पे दुरूद होता है। याली याली याली, अरे देखते जाए देखते जाए। अल्लाह 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 बुलंद दुरूद होता है। शेर खुदा शेर खुदा शेर खुदा शेर खुदा जियो। ये है वो मंजिले फिक्र जिसे देखना चाहिए, जिस पे तदब्बुर करना जरूरी है कि जितने मुर्दे मरते रहेंगे उनके लिए मगफरत होती रहेगी। और दुनिया इस्लाम चूंकि अदल पर कायम नहीं है, इसलिए मुर्दे की हैसियत के मुताबिक मगफरत करते हैं। ला 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 ला, जितना बड़ा मुर्दा उतनी बड़ी मगफरत, जितना बड़ा मुर्दा जितना अदल नहीं है। सलावत भेजे मोहम्मद आले मोहम्मद। लेकिन लेकिन याद रखो कि मिल्लत मुस्लिमा जब भी दुरूद इब्राहिमी की तिलावत करेगी, हमारे यहां भी ये दुरूद है, पूरा मुत्तफ़िका दुरूद है ये, अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मदिन कमा सल्लैता कमा बारक कमा तरहमता, जैसा कि तूने दुरूद भेजा सलामती भेजी बरकतें भेजी रहमतें भेजी इब्राहिम पर और आले इब्राहिम पर, ऐसा ही दुरूद भेज ऐसी ही सलामती भेज। अब मैं वो जुमला कहने जा रहा हूँ दोस्तों, तो सारी मिल्लत नमाज के दौरान अल्लाह की बारगाह में कहती है ना कि इब्राहिम वाला दुरूद, इब्राहिम की औलाद वाला दुरूद, तस्लीम करती है ना अल्लाह की बारगाह में कि औलाद इब्राहिम लायक दुरूद थी, ज़ुर्रियत इब्राहिम लायक दुरूद थी, यानी नबी और अली के बाप दादा लायक दुरूद थे, लायक दुरूद थे, लायक दुरूद थे, लायक दुरूद थे, लायक दुरूद थे। जब लायक दुरूद थे तो किसी एक मीज़ान पर ठहरो, किसी एक तराजू पर रुको, किसी एक पैमाने को अपनाओ। खुद ही तो कहते हो कि दुरूद सिर्फ सूम के लिए है, तो ए अबू तालिब और अब्दुल मुत्तलिब को काफिर कहने वालों, या तो नमाज में दुरूद पढ़ना छोड़ो या आबा व अजदाद अली और नबी को आज से मासूम मानो, मासूम मानो। ऐसे नहीं है, मासूम मानो। सलामत रखे मासूम मानो। आपने वक्त सोचा होगा कितना बड़ा जुमला कह दिया इरफान आबिदी ने, अबू तालिब मासूम, हाँ मासूम, फिर 14 मासूम, हाँ 14 मासूम,
पंद्रहवा कोई नहीं लेकिन अबू तालिब मासूम, सोलहवा कोई नहीं लेकिन अबू तालिब मासूम, मासूम सिर्फ 14 मगर अबू तालिब मासूम, अब्दुल मुत्तलिब मासूम। मैं तीसरी मजलिस में मासूम की किस्में बता चुका हूँ, आपके जहन में होंगी, उसे दोहराना नहीं चाहता। इस्मत के मदारिज हैं, एक इस्मत आम्मा है, एक इस्मत खासा है, एक इस्मत मुतलका है। ये 14 मासूम इस्मत मुतलका की मंजिल पर हैं, इनकी बराबरी का मासूम कोई नहीं। आदम भी नहीं तो फिर कौन होगा, नूह भी नहीं तो फिर कौन होगा, लेकिन ये इस्मत खासा की मंजिल पर है आबा अजदाद पैगंबर। अगर ये मासूम ना होते तो मुहद्दिसे देहलवी का ये जुमला कहां ले जाओगे, जहां उन्होंने तहरीर किया कि खुदा किसी गैर मासूम के फेल को अपना फेल नहीं कहता। ये तो है अब सोचने की बात, ये भी मुत्तफ़िका मसला कि खुदा किसी गैर मासूम के फेल को अपना फेल नहीं कहता। व नजम एजा हवा, अब आयतें सुनते जाएं दो चार, परेशान ना होना आयतों से, नतीजा देता हूं। खाली आयतें नहीं पढ़ता, उन्हें समझाता भी हूं। कम पढ़ो आयतें मगर समझाओ जरूर, ज्यादा आयतें पढ़ने से क्या फायदा, ना पढ़ने वाले को पता क्या पढ़ रहा है ना सुनने वाले, ये तो कोई बात नहीं है। बस तवज्जो है ना इज़ान मोहतरम, सुनते चले जाएं और नतीजा लेते चले जाएं। जो बात हम अर्ज कर रहे हैं, कुरान तदब्बुर के लिए है ना, कुरान तफक्कुर के लिए है। ये मिल्लत मुस्लिमा का मुत्तफ़िका मसला है कि कहीं भी किसी भी मकाम पर खुदा ने गैर मासूम के अमल को फेल को कौल को कौल फेल को अपना नहीं कहा, इसलिए कि उसकी जात सुभान है। क्यों जरी साहब, समझ में आई आपकी ये बात? आप ही क्या, ये बस है ना, खुदा किसी गैर मासूम के फेल को अपना फेल नहीं कहता, उसके कौल को अपना कौल नहीं कहता। खुदा जिसके कौल को अपना कौल कहे वो मासूम, खुदा जिसके फेल को अपना फेल कहे वो मासूम। मासूम डिफाइन कर रहा हूं ताकि मासूम का मौजज़ा भी जाहिर हो जाए। खुदा जिसके कौल को अपना कौल कहे मासूम, खुदा जिसके फेल को अपना फेल कहे मासूम। पैगंबर के लिए, पैगंबर तो मासूम है, इसमें तो किसी को शक नहीं। वन नजम एजा हवा मा जल्ला साहिबकुम वमा गवा वमा यद्दुकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयुन युहा, कसम है सितारे की वो टूटा, हमारा नबी न कभी बहका न कभी गुमराह हुआ। मा यंतिकु अनिल हवा इन हुआ इल्ला वहयुन युहा, ये वही इलाही के बगैर गुफ्तगू ही नहीं करता, ये नहीं बोलता, हम बोलते हैं। बहुत तवज्जो बात आ गई ना, लेकिन बात समझ में आई ना कि ये नहीं बोलता, हम बोलते हैं। मा रमाइता इज रमाइता वलाकिन अल्लाह रमा, ऐ मेरे हबीब ये कंकरियां जो तेरे हाथ में हैं, ये कंकरियां तूने नहीं फेंकी, हमने फेंकी। पहली आयत में रसूल का कौल, दूसरी आयत में रसूल का फेल। रसूल का बोलना कौल, कंकरियां फेंकना फेल। कंकरियां फेंकना कौल नहीं है, अमल है, अमल है, अमल है, अमल है। पहले कहा तू नहीं बोलता, हम बोलते हैं, फिर कहा ये कंकरियां तूने नहीं फेंकी, हमने फेंकी। हाथ तेरा था, फेंकी हमने थी, हाथ तेरा था, फेंकी हमने थी। मासूम के कौल को, मासूम के कौल को अपना कौल करार दिया या नहीं खुदा ने? मासूम के फेल को अपना फेल करार दिया या नहीं खुदा ने? नहीं। वमा तशाउना इल्ला अन यशा अल्लाह, ए अहले बैत रसूल, आप तो कुछ भी नहीं चाहते, आप वही चाहते हैं जो हम चाहते हैं। इनके चाहने को अल्लाह ने अपना चाहना करार दिया। दोस्तों ये आयतें इसलिए पढ़ी कि जो आयत पढ़ने जा रहा हूं वो मेरे पूरे मजमे की समझ में आ जाए। अब एक मकाम पर इरशाद हुआ, अलम यजिद का यतीमम फावा, ऐ मेरे रसूल हमने तुझे यतीम पाया तो हमने तेरी परवरिश की। देखे हुजूर अजीब मंजिल है, अलम यजिद का यतीम, मौला आपको सलामत रखे।
अलम यजिद का यतीम हम फावा। हबीब तू यतीम था, जब तू यतीम था तो हमने तुझे यतीम देखा, तो हमने तेरी परवरिश की, हमने की, हमने 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 परवरिश की, हमने परवरिश की। परवरिश अबू तालिब कर रहा है, खुदा कह रहा है हम परवरिश कर रहे हैं, खुदा कह रहा हम याली 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 अरे वाह। आज देख मौला के कुर्बान, जियो जियो सलामत रहो। मौला आपको सलामत रखे। किस नूर की मंजिल पर ले आई है आपकी समात इस जिक्र नूर को। मैं मौला की अजमतों के कुर्बान, उनकी देन के कुर्बान। अलम यजिद का यतीमम फावा। हबीब हमने तुझे यतीम पाया, हमने तेरी परवरिश की, परवरिश हमने की, परवरिश अबू तालिब का हमने की। काफिरों से अबू तालिब बचा रहे हैं, खुदा कह रहा है हम बचा रहे हैं। शेब अबू तालिब में अबू तालिब लिए बैठे हैं, खुदा कह रहा है हमने किया, खुदा कह रहा है हमने किया। खुदा अबू तालिब के फेल को अपना फेल कह रहा है। तो मुहद्दिसे देहलवी, शिबली नमानी, इबन खलदून, इमाम बुखारी, इमाम गजाली, आप सबके सब माशाल्लाह इमाम हैं। आप ही ने तो ये कानून कायम किया कि खुदा किसी गैर मासूम के फेल को अपना फेल नहीं कहता। यहाँ अबू तालिब के फेल को खुदा अपना फेल कहकर ऐलान कर रहा है कि हम मुसलमान भाई दुरूद ऐसे ही अंधी तकलीद में नहीं भेजते कि अल्लाह दुरूद भेज इब्राहिम पर और औलाद इब्राहिम यानी अबू तालिब पर, मासूम है तो दुरूद भेज रहे हैं ना, इस्तेमाल देते दुरूद ऐसे नहीं है चाहिए। हाँ तो सलामत रखे। हुजूर देखे मंजिल ठीक है। आले आले इब्राहिम को मुंतखब किया तो उन्हें लायक दुरूद बनाया, लायक सलाम बनाया। और ये दुरूद जब पाकीजा नस्लों को अपनी रहमतों के नूरानी शामियानों में लपेटता हुआ उम्मे सलमा के घर तक पहुंचा तो ये दुरूद इब्राहिमी दुरूद आले मोहम्मद बन गया। या ला या ला या ला, देखे देखे फिक्र, देखे फिक्र, देखे ये दुरूद इब्राहिमी जब आले मोहम्मद के घराने तक उम्मे सलमा के घर में हदीस किसा की रोशनी में पहुंचा, कल की गुफ्तगू से हम मुसलसल हुए, तो ये दुरूद आले मोहम्मद बन गया। और अब जो दुरूद आले मोहम्मद बना तो फिर जाहिर है कि अबू तालिब की अजमत अपनी जगह, अब्द मनाफ की अजमत अपनी जगह, अब्दुल मुत्तलिब की अजमत अपनी जगह, हाशिम की अजमत अपनी जगह, अंबिया बनी इसराइल की अजमत अपनी जगह, इब्राहिम और इस्माइल की अजमत अपनी जगह। लेकिन जिनकी वजह से ये दुरूद बना था, जब वो एक चादर में इकट्ठा हुए तो खुदा ने इसी सूरह अहज़ाब में, यानी जिस सूरह अहज़ाब में आया तथीर है उसी में आया दुरूद है, उसी में आया है दुरूद। खुदा ने आयत का फासला भी नहीं रखा, सलावत भेज रहे मोहम्मद आले मोहम्मद पर, आयत का फासला इसी सूरह अहज़ाब में, यानी सूरह अहज़ाब में आयत तथीर भी है जिसकी हमने कल तिलावत की, उसके आदे की जरूरत नहीं है। इसी सूरह अहज़ाब में आयत दुरूद है जहां इरशाद हुआ इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लमु तस्लीमा। देखे मेरा अब मैं मजलिस तो पढ़ चुका, अब मैं वज्द ले रहा हूं अपने लिए।
मौला आपको सलामत रखे। अब मैं अपने लिए, अपनी आकबत व आखरत के लिए मंजिल शुक्र पर अब गुफ्तगु कर रहा हूँ, जितने लम्हे भी कर रहा हूँ। जाकिर के पास एक मकाम इस अलम के फैज से ऐसा आता है जहाँ वो मजमून से खुद कैफ लेता है, अख्ज़ सुरूर करता है। तवज्जो है ना इज़ान मोहतरम। और मैं चाहता हूँ कि मोहब्बत मासूमीन के इस बहरे ज़खार में अकेला न जाऊँ, सारे मजमे को बहा कर साथ ले जाऊँ, सारे मजमे को, इसलिए कि जो बखील हो उसे हुसैन का जाकिर बनने का हक नहीं है। बुखल नहीं होगा, बुखल सलावत, बुखल नहीं है, सब चले वहीं चले। ना आले मोहम्मद के खजाने अता में कोई कमी है, ना उनके खजाने बख्शिश में कोई कमी है। कोई खुलूस के साथ बहे तो सही, कोई खुलूस के साथ चले तो सही, कोई आए तो सही। ये कश्तिये नजाते आले मोहम्मद, ये कश्तिये नजाते आले मोहम्मद गंदे पानियों पर नहीं चलती, कौसर की पाकीजा मौजों पर चलती है। या अली या अली, कौसर की पाकीजा मौजों पर, नूरानी लहरों पर, नूरानी लहरों पर चलती है। अज़ीज़ान मुख्तरम, अब खुदा ने ऐलान किया, इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी, अल्लाह और उसके फरिश्ते। एक जुमले में ये मासूमीन ही समझाता रहा ना, आज एक जुमले में मौजूदा समझाऊंगा इसी आयत की रोशनी में। अल्लाह और उसके फरिश्ते दुरूद भेजते हैं आले मोहम्मद पर। ए साहिबान ईमान, तुम भी भेजो, हम तो भेजते हैं, तुम्हें अगर अपना ईमान साबित करना है तुम भी भेजो। कभी आहिस्ता से बात भी सुन लिया कीजिए, हमारा भी जी जाता है कि हम सांस लें। अल्लाह और उसके फरिश्ते दुरूद भेजते हैं आले मोहम्मद पर। ए साहिबान ईमान, तुम भी भेजा करो, ऐसे भेजा करो जैसे भेजने का हक है। वैसे हम तो भेजते ही हैं, हमने तुम्हारा मोहताज नहीं किया मासूमीन को। मासूम मैंने कहा था ना, दिखाऊंगा इंशाल्लाह, वो मंजिल आ गई करीब। जरा सा तवज्जो फरमा लें, दो तीन मिनट में उस मंजिल से हम गुजर जाएंगे। मगर जाहिर है कि जब मासूम गुजरेगा तो बिजली की तेजी से गुजरेगा ना, पूरी आमादगियों के साथ नजरों को पाकीजा करके दुरूद की छाव में आप देखते चले जाएं। अल्लाह और उसके फरिश्ते दुरूद भेजते हैं मोहम्मद व आले मोहम्मद पर, हम तो भेजते ही हैं, हमने मासूमीन को तुम्हारा मोहताज नहीं किया। तुम्हारा क्या पता तुम कब नबूवत में शक करो, कब इमामत में शक करो, कब आयत में शक करो, कब भेजो कब ना भेजो, कब भेजो कब ना भेजो। नमाज पढ़ो तो भेजो, नमाज खत्म करो तो ना भेजो, सो जाओ तो ना भेजो, जाग उठो तो भेजो, वक्त पड़े तो भेजो, हलाकत से बच जाओ तो ना भेजो। तुम तो बड़े कमजोर किस्म के लोग हो, हम ये नहीं चाहते कि एक लम्हे के लिए भी हम अपने मासूमीन से इस नेमत दुरूद को अलहदा करें। इसलिए हमने अपने पर भी वाजिब किया, अपने फरिश्तों पर भी वाजिब किया कि बंदे तो सो भी सकते हैं मगर हम तो वो हैं जिसे न नींद आती है न ऊंग आती है। या अली देखते जाए ना, नींद आती है एक लम्हे के लिए। धड़क ला धड़क, एक लम्हे के लिए भी हमें, हम तो गाफिल ही नहीं होते। आपने तो भेजा चुप हो गए, लेकिन हम तो दुरूद भेजते रहेंगे। हाँ, अगर तुम्हें अपना ईमान साबित करना है तो आले मोहम्मद पर दुरूद भेजते रहा करो ताकि तुम्हारा ईमान साबित हो। तुम्हारे देखे तवज्जो, तुम्हारे दुरूद भेजने से ये मासूम साबित नहीं होंगे। ना 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 ना, गुनाहगार के जरिए मासूम साबित नहीं होता, मासूम के जरिए मोमिन साबित होता है, मासूम के जरिए मोमिन साबित होता है। ये तुम्हारे मोहताज नहीं है, हमने इन पर दुरूद भेजा इसलिए कि कबले खिलकत कायनात इन्होंने हमारी किबरियाई का ऐलान किया। हाँ, इन्होंने हमारी किबरियाई का ऐलान किया। हमारे फरिश्तों ने इन पर दुरूद इसलिए भेजा कि इन फरिश्तों को अगर इन असमा की मारिफत ना होती,
तो ये मस्जूद मलाइक ना बनते, ये सजदा ना करते आदम को, ये सजदा ना करते तो फरिश्ते ना रहते। इनकी फरिश्तगी बरकरार रह गई इन अनवारे पंजतन पर दुरूद भेजने की वजह से, इनके असमा की वजह से। तो अब हमने चैनल बना दिया है, हम भी दुरूद भेजें, हमारे फरिश्ते भी मासूमीन पे दुरूद भेजें, साहिबान ईमान भी दुरूद भेजें। लेकिन इस दुरूद का फर्क है, हम जो दुरूद भेजेंगे ये हमारा फजल होगा, फरिश्ते जो दुरूद भेजेंगे ये उनकी रॉयल्टी होगी आले मोहम्मद को। तुम जो दुरूद भेजोगे ये खिराज होगा आले मोहम्मद को। हे मासूमीन, हमारा खिराज दुरूद वसूल करो कि हम वैशी थे तुमने इंसान बनाया, हम काफिर थे तुमने मुसलमान बनाया, हम मसले पूछते थे तुमने हलाकत से बचाया, तुमने हरा याली याली। दुरूद भेजो 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 अदा करते रहोगे भाई। जब गुफ्तगू समेत कर एक मरहले बदला रहा हूं, मासूम के मुताल्लिक खुदा ने कहा अल्लाह और उसके फरिश्ते दुरूद भेजते हैं, भेजते हैं, भेजते थे नहीं, भेजते हैं, भेजते थे नहीं, किसी तर्जुमे में नहीं है भेजते थे, भेजते हैं। किस पे भेजते हैं? आले मोहम्मद पर सलामती भेजते हैं। बकौल मौलाना के, जब ये मर गए तो दुरूद किस पर? जब कोई मासूम है ही नहीं तो सलाम किस पर भेज रहे हैं? गलती भेजने वाले की है, मुर्दों पे कहीं सलाम भेजा जाता है? मुर्दों पे तो फूलों की चादर भेजी जाती है। दुरूद भेजा जाता है, कोई सलाम भेजा जाता है? गौर नहीं करता जमाना, फिक्र नहीं करता, तदब्बुर नहीं करता। अल्लाह और उसके फरिश्ते दुरूद भेजते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, कल भी भेजते थे, आज भी भेजते हैं, कयामत तक भेजते रहेंगे। आयत दुरूद सूरह अहज़ाब में कल भी थी, आज भी है, कयामत तक रहेगी। कल भी आयत दुरूद बरक थी, आज भी बरक है, कयामत तक बरक रहेगी। कल भी आले मोहम्मद जिंदा थे, आज भी जिंदा है, कयामत तक जिंदा रहेंगे। ये भी इनका जिंदा मौजदा था, ये भी इनका जिंदा मौजदा है, इनकी हयात मौजदा है। कि जब तक ये कायनात बाकी है इन पर दुरूद की रॉयल्टी इनकी खिदमत में पेश की जाती रहे, इसलिए कि ये जिंदा है बाकी सब मुर्दा है, इसलिए कि ये हयात है, मौला सलामत रखे, इसलिए कि ये हयात है, इसलिए कि खुदा ने इन्हें लायक दुरूद भी बनाया, लायक सलाम भी बनाया। और मौजदा इनका दुरूद, आये दुरूद खुद मौजदा है मासूम का, कि कयामत तक नमाजें होंगी, कयामत तक ये दुरूद जाएगा। किसी की नमाज कबूल नहीं जब तक आले मोहम्मद को दुरूद में शामिल न किया जाए, किसी की इबादत कबूल नहीं तो एक रुकने इबादत कबूल नहीं होती, कोई नमाज कबूल नहीं होती, चाहे हाजिराना नमाज पढ़ो या गायबाना नमाज पढ़ो। अल्लाह जाने क्या सुन रहे हैं आप। ये मेरा भाई जो है ना सैयद मदर तकी रिज़वी, ये बड़े परेशान होते हैं जब मैं ये ऐसा जुमला कह देता हूँ। तो परेशानी क्या बात है, कह मैं रहा हूं सलवात दीजिए मोहम्मद। आप देखें और इस मसले पर मुतवज्जे तो हो अजीदान मोहतरम, किसी भी किस्म की नमाज नहीं हो सकती जब तक आले मोहम्मद पे दुरूद न भेजा जाए, जब तक आले मोहम्मद पर सलामती न भेजी जाए, जब तक इनका हक नमाज में अदा न किया जाए। किसी ये नेमत दुरूद मौजजा है मासूम के लिए, यानी दुरूद वाजिब, दलील मासूम। समेट रहा हूं आखिरी जुमले, दुरूद वाजिब, कल पर मुलतवी इंशाल्लाह, दुरूद वाजिब आले मोहम्मद पर, दलील मासूम। गैर मासूम पे दुरूद नहीं, गैर मासूम पे सलाम नहीं, कोई भी हो, किसी गैर मासूम पे सलाम और दुरूद नहीं है, सबके लिए मगफरत है। नहीं करते क्या अपने अम्मा अब्बा के लिए, रब्बना अग़फिर ली वले वाले दैया वले मोमिनीना, नहीं पढ़ते दुआ नमाज में, मगफरत कर मेरी, मेरे माँ की, मेरे बाप की, है ना? अपने माँ बाप के लिए मगफरत है। वाह, वाह,
मासूमीन के लिए सलवात है, सलवात है। देखते जाने ना। मौला आपको सलामत रखे। अजीजान मोहतराम, यही वो मसला है जिस पर गौर किया जाए। जो जब लायक दुरूद हैं वो समझते हैं कि हम लायक दुरूद हैं। जिन पर दुरूद खुदा ने वाजिब किया, कायनात उनके लिए मुसख्खर कर दी गई, कायनात की पावर ऑफ अटॉर्नी उन्हें दे दी गई, कायनात का डेमोंस्ट्रेशन उनके हाथों में दे दिया गया। जब चाहे निजामे कायनात को पलट दें, जब चाहे गर्दिश चरख को लौट दें, जब चाहे आसमान को जमीन में बदल दें। बकौल मीर अनीस के, जो जनाब अबुल फजल अब्बास के लिए कहा कि हमला करें चढ़के, अगर आस्तीन को हम आसमां समय तो लड़ दें जमीन को। हमला करें फिर बढ़ा हूं, आपने तवज्जो नहीं की, मेरी तो मजलिस का महासल है ये शेर, इत्तबाक से याद आया। हमला मासूम की तारीफ, हमला करें चढ़ा के अगर आस्तीन को ये आसमां समेत, उलटते जमीन को। इसे कहते हैं साहिब एजाज, इसे कहते हैं साहिब मौजूदा। इनका इशारा काफी होता है। एक जुमले में देर तो मुझे बहुत हो गई, एक जुमला अर्ज करता चलो, चूंकि आप आमादा है और गुफ्तगु अपनी पूरी जौलानियों पर है, ये मजमून कहीं खत्म होने वाला नहीं है, वक्त खत्म हो जाता है। एक जुमले की तरफ इशारा करूं, अल्लाह करे आप जाए हज व ज़ियारात के लिए, अल्लाह करे आप जाए जन्नतुल बकी के लिए, अल्लाह करे आप जाए उमरे के लिए, आप खाने काबा की ज़ियारत भी करें, आप बद्र ओहद की पहाड़ियां भी देखें। आज भी ओहद की पहाड़ी के करीब जाकर जरा गौर से देखें, एक बहुत बड़ा 100 मन वजनी पत्थर है जिसको अब भी संगे अली, हजरे अली कहा जाता है। जंगे ओहद में जब पैगंबर इस्लाम को छोड़कर सब चले गए, जब पैगंबर इस्लाम को छोड़कर सब चले गए और पैगंबर एक गढ़े में गिर गए, तो सरकार अली इब्ने अबी तालिब ने एक हाथ से पैगंबर को गढ़े से निकाला, दूसरे हाथ से तलवार चला रहे थे, काफिरों को पीछे हटा रहे थे। पैगंबर को एक हाथ पर उठाए हुए एक पहाड़ के दामन में लाकर महफूज मकाम पर बिठाना चाह रहे थे कि एक मर्तबा पैगंबर की निगाह पड़ी कि शैतान पहाड़ की चोटी पे बैठा है। उसने 1000 मन वजनी पत्थर वहां से लुढ़काया। पैगंबर इस्लाम को कत्ल करने के लिए सरकार खत्ती मर्तबत ने वहीं अली के गोद में लेटे लेटे कहा, अली ये शैतान ने पत्थर लड़काया है, इसे वहीं रोको। अली का एक हाथ पैगंबर के सर के नीचे है, दूसरे हाथ से पत्थर को कहा, तुझे मासूम हुक्म देता है वहीं रुक जा। अदादारों, आज तक आज भी जाकर देखो, मैंने कहा था मुर्दा मौजा नहीं पढ़ूंगा, आज भी देखो ओहद की पहाड़ी पर वो 1000 मन पत्थर एक कतर इंच की टहनी पर इस तरह टिका हुआ है कि दुनिया हैरान है और दुनिया कह रही है पत्थर वो है जो मासूम ने उंगली कही। दोनों हाथ बुलंद करके इस मुहर्रम का तारीखी नारा, यह है मासूम की ताकत। एक हाथ नबूवत की गर्दन के नीचे है, उधर से शैतान ने पत्थर चलाया, पत्थर चट्टान से रुका, पत्थर चला 1 इंच के फासले पर रह गया था, वहीं अली ने रोका। अब पत्थर की मजाल नहीं है कि उससे आगे एक कदम भी बढ़ जाए, आज तक वहीं टिका हुआ है। अरब के रहने वालों से पूछो, ये 1 इंच पर 1000 मन वजनी पत्थर कैसे रुका हुआ है? बिल्कुल बारीक सी डोरी है जिस पर वो टिका हुआ है। जाने वालों ने देखा और मुझे बताया कि 1 इंच, बिल्कुल 1 इंच बारीक सा हिस्सा, एक कतर मोटा होगा,
जिस पर हजारों मन पत्थर। कहा ये पत्थर वो है जो शैतान ने फेंका था रसूल की तरफ, रोका था अली ने, रोका था अली ने, रोका था अली ने। ये होता है मासूम, ये होता है उसका इख्तदार। अब भी अगर खुदा इन पर दुरूद न भेजे, या अली सलावात भेजे, सलावात भेजे, अब भी ना भेजे। एक मतलब और दुरूद भेजे बाबा से बलन। कल मासूम के लिए जज़ाकअल्लाह, जज़ाकअल्लाह, जज़ाकअल्लाह। ये है अजमत मासूम और ये है इक्तदार मासूम। दुरूद इनके लिए, सलाम इनके लिए। खुदा ने भी अपना कुछ नहीं रखा, जो कुछ था इन्हें दे दिया। इन्होंने भी अपने पास कुछ नहीं रखा, जो कुछ था खुदा को दे दिया। लोग हैरान क्यों होते हैं, जितने बड़े इनके फजाइल थे उतने बड़े इनके मसाइब हैं। मैं बताऊंगा इंशाल्लाह शबे आशूर की मजलिस, ये बात तो शबे आशूर की मजलिस में बताऊंगा, लेकिन ये जुमला जहन में रहो, रखो दोस्तों, कि आज 7 मुहर्रम है और इसके लिए रोने का कोई बहाना नहीं चाहिए। 7 मुहर्रम है, बस यही रोने के लिए काफी है दोस्तों। 7 मुहर्रम है, तारीख में 4 पानी बंद हुए हैं दोस्तों, 4 पानी बंद हुए हैं। एक वो पानी जो कबल इस्लाम हज जनाब हाशिम पर बनी उमैया ने बंद किया था एक काफिले के दौरान, एक वो पानी जो जंग सिफीन में माविया की फौजों ने बंद किया था अली की फौजों पर, एक वो पानी जो आज करबला में बंद हुआ, एक वो पानी जो हुसैन ने असगर के लिए मांगा था। ये मैं असगर चौथा पानी फिर बताऊंगा। 3 पानी हैं, आज इस पानी का जिक्र है, लेकिन एक बैकग्राउंड तो समझ में आया कि पानी जब भी बंद हुआ है यजीद के बाप दादा की तरफ से बंद हुआ। आज 7 मुहर्रम है अज़ादारो, खयाम अहले बैत से अल अतश की सदाएं बुलंद हो रही है। 44 बच्चे हैं हुसैन के खेमों में जो अपनी माओ से लिपट कर कह रहे हैं अम्मा पानी, मनी अम्मा पानी, बाबा पानी, अम्मू पानी, चचा पानी। अदादारों मैंने 7 मुहर्रम से 10 मुहर्रम तक पानी की सदाएं खेमों से सुनी हैं, करबला के हर मक्तल में लिखा, लेकिन मैंने ये बड़ा गौर किया कि जब तक अब्बास जिंदा रहा हर बच्चे ने पानी मांगा, मगर अब्बास के मरने के बाद किसी बच्चे ने पानी का सवाल नहीं किया। बच्चे भी जानते थे कि अगर गाजी नहीं पिला सका तो फिर कोई नहीं पिला सकेगा। अजीजान मुख्तरम, इस खानवादे की कुर्बानियां भी इतनी अजीम हैं जितना ये खानवादा अजीम था। देर हो गई, मुझे अदा खाने अबू तालिब जाना है। आज ज्यादा मसाइब नहीं, कल इंशाल्लाह तफसील से जनाब अब्बास के मसाइब पढ़ूंगा, और आज तो मसाइब भी इतने मुख्तसर हैं जितना मुख्तसर कासिम था। मैंने तो बहुत बड़ा जुमला कह दिया अदादारो, अदादारो सुनोगे मौलाना अजहर हसन जैदी का एक जुमला, मौला हुसैन करे कि तुम समझ जाओ, मेरा वक्त बच जाएगा, मुझे कुछ पढ़ना नहीं पड़ेगा अगर एक जुमला समझ लिया। मौलाना अजहर हसन जैदी कहते हैं कि जब तक घोड़े पर था हसन का लाल कासिम था। शाहजी देख देख जुमला, बड़े सुकून से पढ़ूंगा, जैदी साहब का जुमला है। जैसा फरमाते हैं, जब तक घोड़े पर था ना हसन का लाल कासिम था, जब जख्मों से चूर होकर घोड़े से नीचे आया तो कासिम नहीं तकसीम हो चुका था। आहा, 2-4 मिनट है मेरे पास,
तकसीम हो चुका था, बस इसी पर रोने की तैयारी कर लो, इसी पर रो लो। उम्मे फरवा को पुरसा ही देना है ना। उम्मे फरवा को बड़ा हसरत थी ना बेटे के सेहरे की, बड़ी हसरत थी ना मेहंदी की, बड़ी हसरत थी ना। आज घर घर से मेहंदियाँ निकल रही है, आज घर घर से कासिम दूल्हा के नारे निकल रहे हैं, कासिम दूल्हा का ताबूत बन रहा है। अरे कुबरा की मांग उजड़ गई है, एक रात की ब्याही। अदादारो जुमला सुनेंगे आप, शबे आशूर अली अकबर जनाबे अब्बास और कासिम एक खेमे की कनात के पीछे बैठे थे, दोनों भतीजों को लिए हुए चचा बैठे थे। अकबर कह रहे थे, चचा जी बेटा, चचा अब्बास जी बेटा, चचा जान जी बेटा, सुबह मरने के लिए पहले हमें भेज दीजिएगा, इसलिए कि अगर आप मरने के लिए चले गए तो बाबा की कमर टूट जाएगी, बाबा की कमर टूट जाएगी, सैदानियों की आस टूट जाएगी। हुसैन का भाई अब्बास कहता है, नहीं बेटा अली अकबर, अगर तुम मरने के लिए चले गए तो हुसैन की आंखों का नूर जाता रहेगा, जैनब की 18 बरस की कमाई उजड़ जाएगी, इसलिए मरने के लिए पहले मैं जाऊंगा। कासिम दोनों की बातें सुन रहे थे। बहुत देर तक चचा भतीजे में बातें होती रही तो 13 बरस का कासिम हाथों को जोड़ के कहता है, भैया अकबर ना तुम मरने के लिए जाओ, ना चचा अब्बास आप मरने के लिए जाए, इसलिए कि अकबर गया तो जैनब की कमाई लुट जाएगी, अब्बास आप गए तो चचा की कमर टूट जाएगी। मैं तो यतीम हूं ना, बेवा का लाल हूं, मेरे मरने से कुछ नहीं हो, मुझे जाने देना, मेरे मरने से कुछ नहीं होगा। हो गई मजलिस तो दादारो, मजलिस तो हो गई इसी जुमले पर, मेरे मरने से कुछ नहीं होगा, मुझे जाने देना। अदादारो सुबह हुई, कासिम को सवार किया। मैंने मुख्तसर कर दिए मसाइब, इसलिए कि एक जुमला मसाइब का कह के मजलिस खत्म कर दूंगा। बहुत बुका कर रहे हैं आप, आपके बस में आंसू नहीं है। आपको पता है ना कि आपका मौला दो रात का मेहमान रह गया है, दो रात की ये रौनकें रह गई है, दो रातों के बाद आओगे ये उजड़ा हुआ होगा, ये रोशनियां नहीं होगी, तो फिर जी भर के पुरसा दे लो। कासिम को सवार किया, कासिम मैदान में गए, कासिम ने जंग की। अदादारो एक जुमला सुनेंगे, अल्लामा हाफिज के बायत हुसैन कहते थे कि जो शहीद भी गिरा उसने हुसैन को पुकारा, मगर कासिम इतना लाडला और इतना छोटा था कि जब कासिम जख्म खाकर घोड़े से गिरा तो कासिम ने कहा, अम्मा मैं गिर गया। अम्मा तम करो अदादारो कासिम का, अम्मा मैं गिर गया। अदादारो हुसैन दौड़े, अब आंसू ना रुके अदादारो, खुदा के लिए अब आंसू ना रुके। यही मंजिल है रोने की, यही मंजिल है कयामत की। देखना मेरी तरफ, एक जुमला अगर मैं कह सका और मौला ने ताकत दी, कासिम की तरफ हुसैन चले। हुसैन मैदान करबला में गए, कासिम बेटा आवाज तो मेरे लाल, कोई आवाज नहीं आई। फिर गौर से देखा, कासिम हमें नजर नहीं आ रहा बेटा, कहां लेते हो? रो लो रो, फिर देखो आज पुरसा, देखो एक जुमले में पुरसा दूंगा, सिर्फ एक जुमले में दिखाऊंगा इस मिंबर का मौजज़ा क्या है। जितना चाहे सांस ले लो, कसम देकर कहता हूं, आंखों में आंसू रोक लो और फिर हुसैन का मौजज़ा देखो। कासिम मेरे लाल आवाज क्यों नहीं देते बेटा, आवाज दो। कासिम तुम हमें नजर नहीं आ रहे बेटा, तुम्हारे जाने से हमारी बसारत कम हो गई है, आवाज दो। कासिम की कोई आवाज नहीं आई। हमीद कहता है, मैंने देखा हुसैन तेजी से दौड़कर एक बुलंदी पर चढ़े और वहां से चढ़कर आवाज दी, कासिम इमाम वक्त बुला रहा है, लब्बैक कहो। अब देखें मासूम का इख्तदार देखें, कासिम इमाम वक्त बुला रहा है।
जला करना, जला करना। हाँ ये चाहता था मैं, ये चाहता था, मगर मेरा दूसरा जुमला सुन लो, उसके बाद जितना चाहे पीटना, जितना चाहे रोना। कासिम कासिम, इमाम वक्त बुला रहा है, लबैक कहो। इमाम ने जो हुक्म दिया, हमीद कहता है मैंने देखा मैदान करबला में कासिम की लाश के टुकड़े जमीन से उछलने लगे, जमीन में तड़पने लगे। आवाज आई अस्सलाम वालेका या अबा अब्दिल्ला, या अबा अब्दिल्ला। हुसैन लाशों के टुकड़ों की तरह लाशे के शादी शादी ठहरे, शादी खुदा के लिए। दो जुमले मुझे कहने दे। मौला आपको सलामत रखे, मौला आपको सलामत रखे। हाँ रो रो, मातम करो। अस्सलाम वालेकुम या अबा अब्दुल्ला। कासिम की लाश के टुकड़ों पे हुसैन दौड़े, हुसैन दौड़े, मैदान में पहुंचे, मैदान में पहुंचे। कासिम कासिम कासिम, कहीं कासिम नजर नहीं आया। हुसैन ने जाकर देखा, कासिम का पोंछा कहीं पड़ा था, बाजू इधर पड़ा था, गर्दन इधर पड़ी थी, सीना अलहदा था, पंजे अलहदा थे, पिंडलियां अलहदा थी। अल्लामा रशीद तुरावी कहता है हुसैन हुसैन चादर बिछा कर जमीन पर बैठ गए, हथेलियां हथेलियां जमीन पर टेक कर आसमान की तरफ रुख करके कहा, मेरे अल्लाह मैं आज गरीब हो गया, मेरे अल्लाह मैं गरीब हो गया, मेरे अल्लाह में गरीब हो गया। चादर बिछाई, शादी दो जुमले, चादर बिछाई, चादर बिछाई। कासिम की लाश के टुकड़े उठाए, पोंछे को बाजू से मिलाया, बाजू को कोहनी से मिलाया, गर्दन को सीने से मिलाया, पसलियों को पसलियों से मिलाया, पैरों को पिंडलियों से मिलाया। जब दोबारा कासिम को तैयार कर दिया ना, खुली हुई चादर को देख कर कहते हैं भाभी फरवा आ देख ले, मैंने तेरा कासिम फिर से बना दिया। आ देख ले, मैंने तेरा कासिम फिर से बना दिया। गठरी लपेटी अजादारों, कासिम की लाश के टुकड़े लिए सीने से लगाए। इमाम इस तरह चले जैसे नमाजी रुकू के हालत में चलता है। दरे खासे एक मर्तबा फिजा ने देखा, उम्मे फरवा तेरे नोशा की बारात, तेरे कासिम की बारात आ रही है। अजादारों जुमला सुनो, बस आखिरी जुमला। उम्मे फरमा ने एक मर्तबा सीने पे हाथ मारा, हुसैन के सीने को देखा, देखकर कहा फिजा फिजा मेरा कासिम इतना छोटा तो नहीं था, इतना छोटा तो नहीं था। हुसैन आए खेमे में लाकर कासिम की लाश के टुकड़े डाले, फातिमा जुमरा के सर में खाक डाली। मांग उजड़ गई, मांग उजड़ गई।